चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से लॉन्च किया यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र, लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लॉन्च किया गया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र लॉन्चिंग के मौके पर बोले सीएम योगी, 5 साल पहले जो वादा किया उसे मंत्र मानकर पूरा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया वादा, 2000 करोड़ का पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार या स्वरोजगार के दिए जाएंगे अवसर। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान का बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा, देरी होने पर मिलों से ब्याज वसूल कर ब्याज समेत किसानों को भुगतान। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया वादा, चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिए 5000 करोड़ देने का किया वादा, नई सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का भी वादा। कॉलेज आने वाली मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का बीजेपी ने वादा किया, यूपी पीएससी सहित सभी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करने का संकल्प। हजार करोड़ की लागत से नंदबाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत करने का बीजेपी का संकल्प। संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों के लिए खोले हाथ, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा, 5000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना। महिला सुरक्षा पर बीजेपी ने किए बड़े वादे, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन देने का किया वादा। समाजवादी पार्टी ने जारी की यूपी चुनाव के लिए नई लिस्ट, 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, बैरिया से जयप्रकाश अंचल को दिया टिकट, बागी बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलने के प्रयासों पर लगा पूर्ण विराम। लखनऊ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अखिलेश यादव, बंगाल के चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए मैं ममता जी को बधाई देता हूं। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल ममता दीदी बंगाल से यूपी आ गई लेकिन दिल्ली वाले मौसम का बहाना करके नहीं आए। ट्विटर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कहा सुनी, सुनो केजरीवाल तो सुनो योगी के साथ ट्विटर पर एक दूसरे पर साधा निशाना। ट्विटर पर सीएम योगी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है, अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर बरसे सीएम योगी, ट्विटर पर लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। सीएम योगी ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, लिखा, छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसे अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके साधा सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना, लिखा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, प्रतिभाओं के साथ अत्याचार, ऐसी थी सपा बसपा कांग्रेस की सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा, हुक्मरान ले आए हैं मुल्क को ऐसे हालातों में, अब किसी को यकीन नहीं रहा उनकी बातों में। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले कलाकार प्रवीण कुमार सोबती का निधन, लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे प्रवीण कुमार। एक्टिंग से लेकर खेल की दुनिया तक में था प्रवीण कुमार सोबती का बड़ा नाम, एशियन गेम्स में प्रवीण सोबती ने जीता था डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके बेटे को दी राहत, गैर जमानती वारंट और कुर्की पर लगाई रोक। पहले चरण की 58 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार, 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान।